फ्रेंड्स, आप सभी का करंट अफेयर्स फंडा में स्वागत है। आज हम समझेंगे नीति आयोग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जिससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, नीति आयोग। अब जो सबसे पहले हम देखेंगे नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, इसका एब्रिविएशन है नीति। तो यहाँ से आप इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कर लें, नीति आयोग की। अब इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग के मेंबर्स के बारे में, मतलब यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे नीति आयोग से रिलेटेड, उसके पावर एंड फंक्शंस देखेंगे कि क्या काम करता है, और थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन को जानेंगे। फिर एंड ऑफ द वीडियो हम देखेंगे एमसीक्यूज कि कैसे एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, जिससे कि आप समझ सके कि एग्जाम में कैसे एमसीक्यूज करने हैं। चलिए आगे देखते हैं नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन। ये जो नीति आयोग है, ये रिप्लेसमेंट है प्लानिंग कमीशन का। तो सबसे पहले तो यही है कि नीति आयोग इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब जो प्लानिंग कमीशन था वो कब आया, तो प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में। अब प्लानिंग कमीशन में होता क्या था, प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत हम इंडिया का 5 ईयर्स का डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाते थे, उसी के हिसाब से हम इंडिया में डेवलपमेंट करते थे। जब ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के बाद बीजेपी की सरकार आई विद मेजॉरिटी, तो उसने क्या किया, उसने प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे प्लानिंग कमीशन जो था वो नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया। चलिए हम आगे अब बात करेंगे कि आखिर नीति आयोग क्या है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन क्या हुआ था, नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया था। तो नीति आयोग क्या है, नीति आयोग कुछ लोगों का ग्रुप है जिसमें लोग एक्सपर्ट होते हैं अपनी अपनी फील्ड के। वो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं उसको रेगुलेट करते हैं, जिससे इंडिया का डेवलपमेंट हो सके। अब इट इज़ अ कमीशन टू हेल्प गवर्नमेंट इन सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़। नीति आयोग क्या करता है, गवर्नमेंट को अगर सोशल या इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने में हेल्प करता है। फिर इसे ये जो है थिंक टैंक की तरह वर्क करता है। थिंक टैंक से मतलब है, थिंक का मतलब होता है सोचना। तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में सोचता है और उन्हें कैसे एग्जीक्यूट किया जाए उसके बारे में अपनी राय देता है। तो ये तो था नीति आयोग। चलिए आगे हम बात करते हैं उसके मेंबर्स के बारे में कि नीति आयोग में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले नीति आयोग का मेंबर होते हैं चेयरपर्सन। अब चेयरपर्सन कौन होता है, चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद टर्म है गवर्निंग काउंसिल। अब जब प्लानिंग कमीशन था उसमें गवर्निंग काउंसिल कोई टर्म नहीं थी, इसलिए यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि जो गवर्निंग काउंसिल है वो नीति आयोग में न्यू टर्म ऐड की गई है। इसमें क्या किया गया है, जितने भी राज्य होते हैं उसके सभी मुख्यमंत्री को इम्पोर्टेंस दी गई है। मतलब एक ग्रुप फॉर्म किया गया है जिसमें सभी राज्य के चीफ मिनिस्टर एंड जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उसके एलजी को शामिल किया गया है। लेकिन जो दिल्ली एंड पौंडीचेरी है, ये हमारी यूनियन टेरिटरी है, तो इसके एलजी को ऐड ना करके इसके चीफ मिनिस्टर को शामिल किया गया है। फिर आता है फुल टाइम मेंबर। चलिए इसके मेंबर्स को हम हायरार्की के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले आ गए चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। अब उसके बाद आता है वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन को पीएम के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। उसके बाद आता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी पीएम नॉमिनेट करता है। उसके बाद आते हैं फुल टाइम मेंबर। अब जो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं वो क्या होता है, वो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। फिर स्पेशल इन्विटीज, मतलब कुछ लोगों को इनवाइट किया जाता है, एक्स ऑफिसो मेंबर्स। अब एक्स ऑफिसो मेंबर्स को हिंदी में कहा जाता है पदेन सदस्य। अब यहाँ पर पदेन सदस्य कौन होते हैं, पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री होते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन मेंबर्स हैं। तो चेयरपर्सन हो गए नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद आता है वाइस चेयरमैन। तो करंट में हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर राजीव कुमार। अभी जो इन्फॉर्मेशन है ये मई 2018 तक के लिए है। अगर आप ये वीडियो उसके बाद देखते हैं तो इस इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर लें। अब
अरविंद पंगड़िया। अब जो राजीव कुमार थे वो किसके जगह पे वाइस चेयरमैन चुने गए, वो थे अरविंद पंगड़िया। और अरविंद पंगड़िया नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरमैन हैं। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लें कि अरविंद पंगड़िया नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरमैन हैं। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अब इस समय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमिताभ कांत। फिर हम बात करेंगे फुल टाइम मेंबर्स के बारे में। तो फुल टाइम मेंबर्स हैं डॉक्टर विवेक देव रॉय, ये इकोनॉमिक के एक्सपर्ट हैं। विनोद पॉल, ये पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। वीके सारस्वत, ये डीआरडीओ के फॉर्मर चीफ हैं। फिर आता है प्रोफेसर रमेश चंद, ये क्या है, ये एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं। तो ये थे फुल टाइम मेंबर। चलिए आगे बात करते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर्स की। एक्स ऑफिसो मेंबर्स कौन होते हैं, केंद्रीय मंत्री। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से केंद्रीय मंत्री हैं, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, राधा मोहन सिंह। तो ये चार है एक्स ऑफिसो मेंबर। फिर हम बात करते हैं स्पेशल इन्विटीज के बारे में। इस टाइम नीति आयोग में तीन स्पेशल इन्विटीज हैं, नितिन गडकरी, प्रकाश जावेडकर एंड थावरचंद गहलोत। तो ये थे स्पेशल इन्विटीज, आप इन्हें एक जगह नोट डाउन कर लें और इसे आप लर्न कर लें। फिर आगे हम बात करेंगे गवर्नर काउंसिल के बारे में। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, गवर्नर काउंसिल नीति आयोग की न्यू टर्म है, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो अब इसके अंदर कौन लोग शामिल किए गए हैं, इसके अंदर सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर एंड जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब LG को शामिल किया गया है। तो ये था स्ट्रक्चर नीति आयोग का। सबसे पहले चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी। अभी जो नीति आयोग था वो कब बना था, तो नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी है। इसका मतलब है जो नीति आयोग है इसका हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, मतलब नीति आयोग के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ये एक सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये इस्टेब्लिश किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और ये जो नीति आयोग है ये प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके उसके स्थान पे नीति आयोग बनाया गया था। तो ये थे नीति आयोग से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में कि नीति आयोग क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो हम जो योजनाएं बनाते हैं वो गांव के विकास करने के लिए बनाते हैं। तो सबसे पहला काम तो यही है, गांव का विकास करने के लिए जो योजनाएं तैयार की जाती हैं उसको हाई लेवल तक पहुंचाना, मतलब जैसे जो भी योजनाएं हैं उन्हें अच्छे से वो एग्जीक्यूट हो सके। तो ये सब काम क्या है, ये सब काम नीति आयोग का है। फिर जो हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मतलब नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो भी योजनाएं बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, उस पर हम स्पेशल ध्यान दे सके, मतलब विशेष ध्यान दे सके जिससे ये जो पॉलिसी है ये अच्छे से एग्जीक्यूट हो। फिर थर्ड, फीडबैक फॉर कॉन्स्टेंट इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट। अब जो पॉलिसीज़ हैं उसमें हम कैसे इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट कर सकें, कि जो भी पॉलिसीज़ हैं उसमें रिलेटिव हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये फीडबैक देता है नीति आयोग। फिर आगे है समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जहाँ पे या तो पॉलिसीज लागू नहीं की गई हैं या फिर हमने पॉलिसीज बनाई हैं तो उन तक वहाँ पर बेनिफिट नहीं पहुँच पाया है। तो ऐसे सेक्शन पे हम ज़्यादा ध्यान दें जहाँ का विकास नहीं हुआ है और हम वहाँ का विकास कर सकें। फिर लास्ट है टू मेन स्ट्रीम एक्सटर्नल आइडियाज इनटू गवर्नमेंट पॉलिसीज थ्रू कोलैबोरेशन विद नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट, कि मतलब केंद्र तथा राज्य को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जो भी मुद्दे होते हैं, टॉपिक होते हैं, उस पर सलाह देना, मतलब कि अगर कोई नेशनल से लेकर इंटरनेशनल से लेकर टॉपिक है तो उसमें ये करता है, ये अपनी राय देता है, जैसे कि हम कोई भी अगर पॉलिसीज बना रहे हैं तो हम उसे अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये थे नीति आयोग के फंक्शंस। चलिए हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में, थोड़ा यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के बारे में जान लेते हैं। अब जो प्लानिंग कमीशन है, सबसे पहले प्लानिंग कमीशन वर्ड सॉरी सबसे पहले प्लानिंग कमीशन बना था, मतलब उसके बारे में कैबिनेट में रिजोल्यूशन आया था 15 मार्च 1950 को। तो रिजोल्यूशन कब पास हुआ था, 15 मार्च 1950 को। अब ये कब बन गया, तो ये बना था 15 अगस्त 1950 को। तो प्लानिंग कमीशन बना 15 अगस्त 1950। अब ये डिसॉल्व मतलब ख़त्म कब कर दिया गया, तो ये बंद कर दिया गया था 17 अगस्त 2014 को। तो ये थे
प्लानिंग कमीशन कब बना एंड कब खत्म हुआ। अब यहाँ पे इसके फंक्शंस देखते हैं। देखिए, प्लानिंग कमीशन के दो काम थे, एक तो 5 ईयर्स प्लान बनाना जिससे कि हम अगले 5 सालों में अपने देश का विकास कर सकें, एंड सेकेंड था जो भी हमने प्लान या पॉलिसीज बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग फंड्स को एलोकेट करना। तो ये दो काम थे प्लानिंग कमीशन के, प्लानिंग कमीशन के जो 5 ईयर्स प्लान थे। यहाँ पे हमें मेन ये देखना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ। तो पहला 5 ईयर प्लान था 1951 से, तो यहाँ से ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि पहला 5 ईयर प्लान कब बना था, तो आंसर हो जाएगा 1951। इसको आप एक बार रीड कर लें कि कौन कौन से 5 ईयर प्लान्स थे। एक 12th ईयर प्लान और देखते हैं, तो 12th प्लान बना स्टार्ट हुआ था 2012 में। अब इसकी थीम क्या थी, क्योंकि एग्जाम में इसकी थीम पूछी जा सकती है, तो इसकी थीम थी फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये थी 5 ईयर प्लान, सॉरी 12th प्लान की थीम। तो आप इसको एक बार रीड कर लें। तो यहाँ से ये थे प्लानिंग कमीशन। चलिए अब हम देखते हैं एमसीक्यूज कि एग्ज़ाम में, जैसे कि बैंक एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी के एग्ज़ाम में नीति आयोग से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। तो देखते हैं कि कैसे एमसीक्यूज बनते हैं नीति आयोग से। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन होता है। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया प्राइम मिनिस्टर। चलिए आगे बात करते हैं। नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कि नीति आयोग कब बना था। तो नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। तो यहाँ से आपको ये लर्न करना होगा कि नीति आयोग कब फॉर्म हुआ था, 1 जनवरी 2015। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द CEO ऑफ नीति आयोग। अब आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि नीति आयोग के CEO कौन है। मैंने आपको पीछे बताया है कि करंट में नीति आयोग के CEO कौन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है। तो करंट में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। तो अब ये देखते हैं अरविंद पंगड़िया कौन थे। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे उसमें बताया था, अरविंद पंगड़िया नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे, और राजीव कुमार जो हैं वो अरविंद पंगड़िया की जगह नीति आयोग के वाइस चेयरमैन चुने गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज एन स्टैंड फॉर नीति आयोग। अब जो नीति आयोग है उसमें एन का मीनिंग क्या है। तो एन का मीनिंग है नेशनल, तो ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। जैसे कि जो प्लानिंग कमीशन था ये नेहरू जी के टाइम में स्टार्ट हुआ था, और हमने पढ़ा था कि जो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग होता है उसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। जब ये जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में चला था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी। तो प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन हो गए जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वॉज द फॉलोइंग इज अ स्पेशल इनविटी इन द नीति आयोग। अब नीति आयोग में इनमें से कौन एक नीति आयोग के विशेष आमंत्रित मंत्री हैं। तो इसका आंसर है नितिन गडकरी। बाकी दो मंत्री के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि इस समय विशेष आमंत्रित स्पेशल इनविटी कितने हैं, 3। तो चलिए आगे देखते हैं। व्हेन वाज द 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस। पहला 5 साल की जो प्लानिंग कमीशन की योजना थी वो कब स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी 1951 में। तो इसका आंसर हो गया 1951। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अब नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है, तो आंसर है प्राइम मिनिस्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के कह रहा है, फाइंड करेक्ट पेयर ऑफ पर्सन वर्सेस पोजिशन हेल्थ इन नीति आयोग। हमें ये देखना है कि जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं ये पोजीशन से रिलेटेड है, इसमें से कौन से सही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अमिताभ कांत, अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO हैं या नहीं। सेकंड, वीके सारस्वत क्या स्पेशल इन्विटीज हैं, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है। एंड थर्ड, विवेक देवरा इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, तो क्या वो फुल टाइम मेंबर्स हैं। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट, अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO हैं, तो ये है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। एंड सेकंड, वीके सारस्वत
स्पेशल इन्वटी नहीं है, ये क्या है, ये फुल टाइम मेंबर है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया गलत। फिर हम बात करते हैं विवेक देवरॉय की। विवेक देवरॉय फुल टाइम मेंबर है और ये क्या है, ये इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ से हमारा कौन सा आंसर सही होता है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड वाला कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, ये यूपीएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब इन एमसीक्यूज से आपको समझ में आ ही गया होगा कि एग्जाम में किस टाइप से एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं। चलिए, ये था नीति आयोग। अब आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।